अभी मैं आपकी होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। गजल की किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो खोट मुझ में ही है भाभी। इतने सालों में भी मैं आपका भरोसा नहीं जीत पाया तो मैं अपने हाथ में दलील नहीं दूंगा भाभी। कुछ वो करना कर लीजिए, आपको पुलिस को बुलाना बुला लीजिए, गिरफ्तार करवा दीजिए, बेशक मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए भाभी, मुझे भेज दीजिए। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जानती हो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कभी भी मेरी या मेरे बच्चे की झूठी कसम नहीं खाओगी, मैं जानती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। अगर मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। देखिए, आप में से किसी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी को भी शक के कटघरे में खड़ा करना। अगर मैं भी मजबूर हूं, वैसे चाहे हमारी दुश्मन हो मगर फिलहाल उसकी कोख में हमारे खानदान का खून पल रहा है। उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिसने भी गजल को बंदी बनाया बता दीजिए गजल कहाँ है। अगर आप मुझे जरा सी भी मोहब्बत करते तो बता दीजिए गजल कहाँ है, वरना आपकी कोशिशों से गजल की जान जाए ना जाए मेरी जान जरूर चली जाएगी। अल्लाह, ये क्या बोल रही हो बेटा? डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।